इंटरस्टेट क्रिमिनल है गुड्डू राय, ये सब उसके आदमी थे। साथ ही जो भूमि विवाद से संबंधित जो भूमि विवाद चल रहा है उसमें जो दूसरा पक्ष है उसका बेटा अनुबंध राय भी था। तो इन लोग की गिरफ्तारी हुई है। और बॉस कहले जा सो बबुआ, हथियार लो सो, गोली लो सो, मोबाइल लो सो, बोलेरो लो सो, जमीन के काम रुकी जाए के चाहे। पुलिस ठेठवा देले बिया आ ये बड़ बड़ अपराधी लोग के लाल कोठरी में ढुका देले बिया। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, एसपी साहेब के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कॉली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कॉली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। कहल गई बा कि यह कॉली काल में तीन चीज आदमी के आदमी से दुश्मन बना दी, जर जोरू जमीन। तो इतना जर के कहानी रहल है, ना जोरू के कहानी रहल है, जमीन के कहानी रहल है। खुखार अपराधी के द्वारा यह लोग के हाथ में मैगजीन आ पिस्टल थमावल गईल, कहल गईल कि जा लोग जमीन पो आतना गोली तड़तड़ाव लो कि ओहजा दहशत फैल जाओ आ वह जमीन पो कब्जा हो जाओ। लेकिन मंसूबा पे पानी फिर गई बा, तनी खबरिया विस्तार से जानी। कहानी 4 तारीख के निवेदिता देवी पति स्वर्गीय नरदेश्वर राय गांव सोनपा थाना राजपुर जिला बक्सर के जमीन पो इनकर चचेरा भाई या पूरा परिवार के द्वारा अवैध रूप से हथियार के बल को कब्जा करे के लेके 8 व्यक्ति के विरुद्ध राजपुर थाना में वो लिखित आवेदन दिहल गई। यह आवेदन को तुरंत कार्रवाई कर राजपुर पुलिस तुरंत एसपी बक्सर के द्वारा और मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित करके यह कांड के अनुसंधान खातिर काम दिहल गई। यह गठित टीम के द्वारा 4/7/2024 के कांड के अनुसंधान खातिर सोनपा जात रहे लोग यही बीच लगभग 12 बजे सोनपा मोड़ के भीड़ी एगो सफेद रंग के स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से आवत दिखाई दिलस, माफ कर बोलेरो रहे, बोलेरो तेज रफ्तार जमुना के पुलिस रोकलस। यह बोलेरो में सवार 6 व्यक्ति के तलाशी लिहल गई। तलाशी के दौरान देसी पिस्टल 2 गो, मैगजीन 4 गो, जिंदा कारतूस 3 गो, मोबाइल 8 गो बरामद कर गई। एक बाद विधिवत 6 व्यक्ति के गिरफ्तार कैलस पुलिस। ये हथियार के बारे में गिरफ्तार बिपिन राय से पूछताछ कैला पे बतैलन कि हमनी के गुड्डू राय आ धनंजय राय खातिर काम करेगा जा, हमनी के उनके गुर्गा के आदमी हैं जा। हमनी के सुबह में अनुबंध राय उर्फ टुनटुन राय, पिता सरदेंदु राय, साकिन सोनपा थाना राजपुर जिला बक्सर डिहरी स्थित गुड्डू राय धनंजय राय के गांव पे मिले आई रहे लोग आ बोले रहे लोग कि सोनपा गांव में हमनी के जमीन बा जौना पे आज काम हो रहा बा, या लोग रोकवा दो लोग आ इतना दहशत फैलाव लोग कि यह जमीन को हमारा अलावे कोई ना जाए, यह काम के बदले मुँह मांगा पैसा दिया। यही के लेके आज गुड्डू राय धनंजय राय हमनी के हथियार गोली या गाड़ी उपलब्ध करेंगे। यह संबंध यह अनुबंध राय और टुनटुन राय के साथ जाके काम रोके खातिर बोलल गई। गिरफ्तार व्यक्ति के निशानदेही पर गुड्डू राय के चौंसा रेलवे क्रॉसिंग के बीच से गिरफ्तार कर गई। गिरफ्तार आरोपी में जवन नाम बटुए कुल आपराधिक इतिहास बा, 10 बोले आपराधिक अलग अलग थाना कांड में दर्ज बटुए। बाकी विशेष जानकारी उरा खुद एसपी साहब के मुँह सुनी, यह लोग के गिरफ्तारी हो चुकल बटुए, यह गिरफ्तारी में के बटुए लोग के भी जान ली आ देखला के बाद शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का अपराधी है ये? कल एक घटना हुई थी, एक भूमि विवाद चल रहा है काफी दिनों से, उसमें एक महिला जिनकी भूमि है उनके द्वारा शिकायत की गई कि कुछ लोग जाके वहाँ पे उनके जो काम करने वाले हैं उनको वहाँ से धमका रहे, भगा रहे हैं। इसका एक शिकायत फॉर्मली उनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि अभी वो जो भी अपराधीगण है वो घटनास्थल पर ही है। तत्काल पुलिस के द्वारा रश किया गया, वहां जाने के बाद एक बोलेरो गाड़ी में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई वहां से, जिसमें 2 लोगों के पास पिस्टल था, एक 9 mm का पिस्टल था, एक 7.65 mm का था
और 23 गोलियां थी 7.6 mm की, 7 गोलियां थी 9 mm की। ये रिकवरी हुई, एक बोलेरो गाड़ी थी। इन सभी से पूछताछ की गई, ये सभी लोग जो है एक वहां का स्थानीय इंटरस्टेट क्रिमिनल है गुड्डू राय, ये सब उसके आदमी थे। साथ ही जो भूमि विवाद से संबंधित जो भूमि विवाद चल रहा है उसमें जो दूसरा पक्ष है उसका बेटा अनुबंध राय भी था। तो इन लोग की गिरफ्तारी हुई है और जिनके इशारे पे सारा काम हो रहा था गुड्डू राय, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। कितने जमीन के लिए सर? ये पीस ऑफ लैंड काफी बड़ा है ये, और इन लोग का अपना पारिवारिक मामला है, जो दोनों पक्ष है वो आपस में चचेरे भाई बहन है, और विवाद चल रहा है। पूर्व में भी कांड काफी दर्ज हो चुके हैं। तो ये लोग वहाँ पे इन लोग को जो दूसरा पक्ष है उसको डरा के भगाने वाले थे, पिस्टल लेके गए थे, कोई बड़ी घटना कर सकते थे, और उसमें ऐसी बात आई है कि पैसे पे ये बात तय हुई थी, इनको पैसा भी देना। क्या ये पेशेवर अपराधी? ये सब इसमें एक गुड्डू राय का जो है बॉडी गार्ड है जो जौनपुर का रहने वाला है, एक उसका भतीजा है जो बिहटा का रहने वाला है, और दो अन्य जो है जो गुड्डू राय के साथ ही रहते हैं, वो दोनों चार आदमी। गुड्डू हथियार लाइसेंस की है कि? हथियार अवैध है, हथियार लाइसेंस। क्या इसमें गुड्डू राय भी सर गिरफ्त में आएंगे? गुड्डू राय की गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्त में आने की बात ना। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, और भी किसी की संलिप्तता होगी तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी गिरफ्तारी हुई है और हम लोग इसमें त्वरित इसका विचारण करा के इन लोग को सजा कराएंगे। गुड्डू राय पर प्रूफ से कितने मामले? गुड्डू राय पे अभी हमारे पास जो डिटेल्स है उसके हिसाब से 10-10 केसेस हैं कोर्ट से। इसमें यूपी के कुछ केसेस हैं और बाकी केसेस यहाँ के हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं यूपी के जिसकी जानकारी हमको नहीं है। तो प्रकृति क्या है केसों की, मतलब किस तरह के अपराध करते थे ये? क्रिमिनल है, हर तरह का इन्होंने अपराध किया हुआ है। इसमें आपको क्रिमिनल हिस्ट्री हम इसकी दे देंगे, आपको पता चल जाएगा।